दोस्तों वर्ल्ड कप का खुमार खत्म हो चुका है, वर्ल्ड कप की सारी उदासी खत्म हो चुकी है, जिसे भुलाकर फैंस अब आईपीएल का फीवर देखना चाहते हैं। जी हाँ भाइयों, आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी रिलीज और रिटर्न लिस्ट जारी कर दी है। आरसीबी टीम ने टोटल जो है 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया। इसके बाद खबर ये आई कि कैमरन ग्रीन को आरसीबी टीम ने ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस से अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है, वो भी 17.5 करोड़ की बड़ी रकम देकर। तो भाई कैमरन ग्रीन जो है आरसीबी टीम के लिए ऑफिशियली 2024 से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी टीम के रिटेन स्क्वाड में से क्या बेहतरीन प्लेइंग 11 होने वाली है 2024 के लिए। हालांकि मिनी ऑक्शन के बाद और प्लेयर्स ऐड किए जाएंगे, जिसके बाद आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 बदलेगी। लेकिन दोस्तों अभी के लिए हम बात करेंगे कि आरसीबी टीम ने जिन भी खिलाड़ियों को रिटेन किया है उन सभी को मिलाकर एक मजबूत प्लेइंग 11 क्या बन रही है। डिटेल में एक एक खिलाड़ियों के नाम आपको आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो भाइयों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाकर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको डेली मिलती रहे। वही दोस्तों एक जरूरी बात यह भी है कि ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक जरूरी न्यूज मिलती रहती है। तो भाइयों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाओ लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पर ही आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कैमरन ग्रीन के आरसीबी टीम के स्क्वाड में आने के बाद फिलहाल जो है मिनी ऑक्शन के लिए आरसीबी टीम के पास 23.25 करोड़ रुपए अवेलेबल है, यानी कि इनके पर्स में करीब 24 करोड़ रुपए है, जिसका इस्तेमाल करके मिनी ऑक्शन से ये 6 और खिलाड़ी खरीद सकते हैं, जिसमें से 3 ओवरसीज खिलाड़ी होने वाले हैं। तो भाई ये तो बात हो गई इनके बैलेंस्ड पर्स की। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रिटेन स्क्वाड में से इनकी फाइनल प्लेइंग 11 क्या बन रही है, कौन से मजबूत 11 खिलाड़ी इसमें से हम आईपीएल 2024 के लिए खिला सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इनके 2 ओपनर्स हो जाएंगे, फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली। इसके बाद नंबर 3 पर मुंबई इंडियंस से आए कैमरन ग्रीन हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, और नंबर 4 पर पटीदार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा अदला बदली भी हो सकती है, जहां पर दोस्तों शायद हमें 3 पर पटीदार खेलते हुए दिखाई दें और 4 पर कैमरन ग्रीन खेलते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर मैक्सवेल खेल लेंगे, 6 पर इनके पास दिनेश कार्तिक रहेंगे, वहीं दोस्तों नंबर 7 पर अनुज रावत या फिर महिपाल लोमरोर हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर कर्ण शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा लेग स्पिनर ऑलराउंडर। इसके बाद 9 पर खेलेंगे विजय कुमार वैश्यर, और दोस्तों 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज, वहीं 11वें नंबर पर रीस टोपले को चांस मिल सकता है। ये हो सकती है मेरे हिसाब से रिटेन स्क्वाड में से आरसीबी टीम की एक मजबूत प्लेइंग 11। हालांकि ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, इसके बाद जब मिनी ऑक्शन से आरसीबी टीम और खिलाड़ी अपने स्क्वाड में लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 जो है बदलने वाली है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।